अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुजहत शेख और आज हम सीखने वाले हैं हमारे 11th का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसी में पॉइंट है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन की हूँ कि बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जिससे हमको इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारा अकाउंट हमको कैसे मेंटेन करना है, कौन सी टर्म्स जो है हमको फॉलो करना है। तो ये हम इजीली सीखेंगे बेसिक टर्म्स में। बेसिक टर्म्स जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांजेक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन्स कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हो। ठीक है, दो लोग इन्वॉल्व हो, दो लोग जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपस में लेन देन कर रहे हैं, तो लेन देन करना दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस में कोई भी चीज परचेज कर रहा है या कोई चीज सेल कर रहा है या कोई भी एक्टिविटी हो रही, किसी को हमने रेंट पेड किए, किसी को हमको रेंट मिला, तो ये एक्टिविटी हो रही। तो जो भी एक्टिविटीज होती है बिजनेस में वो सभी एक्टिविटीज को हम बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो अगर हो रहा है बिजनेस में तो वो ट्रांजेक्शन रहेगा हमारा या तो कैश बेसिस पर, कैश ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन या तो होगा हमारा कैश बेसिस पर, कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन में भी दो पार्ट से, एक हमारा कैश ट्रांजेक्शन है और दूसरा मैं सिखाती हूँ। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन मीन्स ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें हमने ट्रांजेक्शन किए और सेम टाइम पर हमारे पास से पैसा चला गया। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 3000, हमने परचेज किए गुड्स, परचेज गुड्स रुपीज 3000, ये ट्रांजेक्शन हुआ हमारा। हमने ट्रांजेक्शन किए, हमने गुड्स परचेज की, परचेज कर रहे, हमने खरीद लिया, हमारे पास से 3000 रुपया चला गया। मतलब ट्रांजेक्शन हुआ लेकिन सेम टाइम पर जब हमने परचेज की तो सेम टाइम पर हमारे पास से कैश जो है वो चला जा रहा है। हमारे पास से कैश चला जा रहा है मतलब कैश बेसिस पर ट्रांजेक्शन हुआ, कैश बेसिस पर ट्रांजेक्शन हुआ तो वो ट्रांजेक्शन होता है हमारा कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कोई भी चीज अगर हम परचेज कर रहे हैं या अगर हम सेल कर रहे हैं या हमारे पास पैसा आ रहा है या हमारे पास से पैसा चला जा रहा है तो वो ट्रांजेक्शंस होते हैं हमारे कैश ट्रांजेक्शन। उसी से रिलेटेड सेकेंड है हमारा ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में सेकेंड है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शंस, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब कि ऐसे ट्रांजेक्शंस जो ट्रांजेक्शंस में कैश इन्वॉल्व नहीं होती। कैश इन्वॉल्व नहीं होती मतलब हम फ्यूचर के लिए रख देते हैं कि ठीक है हमने गुड्स परचेस किए बट हम अमाउंट जो है वो दो तीन दिन के बाद देने वाले, महीने भर के बाद देने वाले, या हमने कुछ सेल किए लेकिन वो पैसा हमको फौरन नहीं मिलने वाला, वो पैसा जो है वो हमको फ्यूचर पर सामने वाले ने रखा है कि वो महीने के बाद हमको पैसा देने वाला। ठीक है, मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, कैश जो है या तो हमको बाद में मिलने वाली है या तो हम बाद में पे करने वाले हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो होते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधारी में किए हुए ट्रांजेक्शन। अब हमको पहले तो फाइंड करना रहेगा कि ट्रांजेक्शन है तो वो कैश ट्रांजेक्शन है कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल है कि अगर कैश ट्रांजेक्शन होता है तो कैश ट्रांजेक्शन में जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं या कोई चीज सेल करते हैं तो वहां पर जरूरी नहीं होता है कि पर्सन का नाम मेंशन हो। पर्सन का नाम मेंशन हो मींस कि अगर परचेज कर लिया हमने और हमको पैसा मिल गया तो हम सामने वाले पर्सन से पूछेंगे नहीं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, व्हाट मतलब हम जो भी ट्रांजेक्शंस करेंगे अगर हमको पैसा मिल जा रहा है या हमारे पास से पैसा चला जा रहा है तो वो ट्रांजेक्शन में पर्सन के नाम की जरूरत नहीं होती। मींस अगर पर्सन का नाम नहीं है ट्रांजेक्शन में तो वो कैश ट्रांजेक्शन है सिंपल। जैसे कि ये वाला परचेज गुड्स रुपीज 3000, हमने 3000 का गुड्स परचेज किए, किससे खरीदे क्या खरीदे मेंशन नहीं है, मतलब हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो कैश ट्रांजेक्शन।
लेकिन अगर वही चीज हम किसी शॉप से उधार में खरीदने के लिए जाए, क्रेडिट पर खरीदने के लिए जाए, तो हम शॉपकीपर को बोलेंगे भी हमको 5,000 का गुड्स चाहिए, लेकिन पैसा जो है वो हम बाद में देने वाले, पैसा जो है वो हम बाद में देने वाले। अब पैसा बाद में देने वाले हैं तो शॉपकीपर दे देगा कि हमको गुड्स नहीं देगा? ठीक है, हमको शॉपकीपर गुड्स वैसे नहीं देने वाला, वो हमारे से हमारी डिटेल मांगेगा कि भी तुम्हारे नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा फोन नंबर तो भी चाहिए, किधर साइड रहते हो, मतलब वो इंक्वायरी करता है हमारे बारे में। क्यों? क्योंकि हम उससे उधारी में खरीद रहे हैं। अगर हम उधारी में परचेस कर रहे हैं, क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, मतलब सामने वाले पर्सन का नाम जो है वो मेंशन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाद में पैसा मिलने वाला, किससे मिलने वाला, तो वो पर्सन का नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अजय 3,000। अब यहाँ पर हमने गुड्स जो है वो 3,000 रुपए का बेच दिए अजय, यहाँ पर हमने मेंशन किए कि सोल्ड गुड्स फॉर मिस्टर अजय फॉर रुपीज 3,000। हमने 3,000 का गुड्स मिस्टर अजय को सेल कर दी, मतलब हमारे पास से गुड्स जो है वो चला गए, हमारे पास से गुड्स चला गया, लेकिन बताया कि उसने मेंशन किया कि हमको कैश मिला। ऑन कैश मेंशन नहीं है, ऑन कैश मेंशन नहीं है, मतलब हमने जब अजय को गुड्स सेल किए तो हमने वो गुड्स सेल किए उसको उधारी में, क्रेडिट में, मतलब हमको बाद में कभी तो भी पैसा मिलने वाला है। इन शॉर्ट, अगर ट्रांजेक्शन में पर्सन का नाम नहीं आता है तब वो ट्रांजेक्शन होता है हमारा कैश ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन जो है उसकी एंट्री भी पास होगी कैश में, कि या तो कैश आएगी हमारे पास या तो हमारे पास से कैश चली जाएगी। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन में पर्सन का नाम मेंशन होता है, पर्सन का नाम मेंशन होता है, मतलब वो ट्रांजेक्शन है तुम्हारा उधारी में किया हुआ ट्रांजेक्शन, क्रेडिट में किया हुआ ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट में किया हुआ ट्रांजेक्शन या तो हमको बाद में पैसा मिलने वाला रहता है या तो हमको बाद में पैसा देना है। यहाँ पर हमने गुड्स सेल किए है अजय को, मतलब अजय से बाद में हमको 3,000 रुपया मिलने वाला रहेगा। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन जो कि मॉनेटरी बेस पर रहता है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पर होता है चीजों के बदले चीजों का लेन देन। मिस्टर ए को जो चीज चाहिए वो मिस्टर बी से ले लेंगे और मिस्टर बी को जो चीज चाहिए वो मिस्टर ए से ले लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम कैश में कोई भी लेन देन नहीं करें, कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, हम चीजों के बदले चीजों का लेन देन करें। ठीक है, मेरे पास कुछ चीज है मैंने ए को दे दी और ए के पास कुछ चीज थी वो मुझे चाहिए थी मैंने उससे वो चीज ले ली, लेकिन हम कैश में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन होता है हमारा बाटर ट्रांजेक्शन, जो कि पुराने टाइम पर किया जाता था। ठीक है, चीजों के बदले चीजों का लेन देन। अब नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन के बाद नेक्स्ट देखेंगे एंट्री। ठीक है, ट्रांजेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंट्री करना। एंट्री करना मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हमको दिया गया है, वही ट्रांजेक्शन को हमने अकाउंट्स में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किए। हम जो ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में, उसको बोलते हैं हम एंट्री करना, एंट्री पास करना। ठीक है, एंट्री पास करना, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर एंट्री पास कर कर बता रही हूँ, लेकिन एंट्री कैसे पास हुई, क्यों आया, ये अभी फिलहाल आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंट्री किसको बोलते हैं वो मैं मेंशन कर रही हूँ। जैसे ये हमारा जर्नल है, ये हमारी जर्नल है जिसमें फर्स्ट कॉलम है डेट, नेक्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम है एलएफ, नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट, ये हमारा डेबिट अमाउंट, और नेक्स्ट है हमारा अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये हमारी जर्नल है, फर्स्ट स्टेप होती है अकाउंट की जर्नल एंट्री। ठीक है, तब जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हो रहा है वही ट्रांजेक्शन को हमको अकाउंट्स में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है, और वो जो सिस्टमेटिकली जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्डिंग को बोलते हैं एंट्री करना। एंट्री करना, फॉर एग्जांपल हमने गुड्स परचेज किए तो हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री पास कर रहे हैं, और ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई 2020। ठीक है, 1 जुलाई 2020 को ट्रांजेक्शन हुआ है, परचेज गुड्स फॉर ₹3,000, 3,000 का गुड्स हमने परचेज की, तो हम यही ट्रांजेक्शन की अगर एंट्री पास करना है तो यही ट्रांजेक्शन की एंट्री हम पास करेंगे
कि हमने 1 जुलाई 2020 को ट्रांजैक्शन किए हैं, तो हम बताएंगे डेट के कॉलम में 1 जुलाई 2020, ठीक है। हमने गुड्स परचेस किए, मतलब हमारे पास गुड्स आ रहा है और सेम टाइम पर हमारे पास से पैसा चला गया, तो हम एंट्री पास करेंगे पर्टिकुलर के कॉलम में परचेज अकाउंट डेबिट 3000 डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 3000, ठीक है। ये हो गया हमारा एंट्री पास करना, कि जो भी तुम्हारा ट्रांजेक्शन है वही ट्रांजेक्शन को तुमने सिस्टमेटिकली अकाउंट्स में मेंटेन किए, तो जो मेंटेन होता है ये मेंटेन करने को बोलते हैं हम एंट्री करना, कि हमने जो ट्रांजेक्शन था वही ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एंट्री करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा नरेशन। नरेशन जो कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है आपकी एंट्री का, जो भी एंट्री आपने पास किए है वही एंट्री को ब्रीफ में एक्सप्लेन करो, तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री इज कॉल्ड नरेशन, ठीक है। तो नरेशन जो कि ब्रीफ में एक्सप्लेन होता है और वो एक्सप्लेन करते हैं हम एंट्री के फौरन बाद की लाइन, जिसको स्टार्ट करते हैं हम बीइंग से और उसको लिखा जाता है कॉलम, यहाँ पर कॉलम बनाएंगे हम बीइंग, ठीक है। नरेशन जिसका स्टार्टिंग होता है बीइंग से और वो हमेशा कॉलम में लिखा जाएगा बीइंग परचेज गुड्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देना है, ठीक है। बीइंग जिसका स्टार्टिंग होता है, नरेशन जिसका स्टार्टिंग होता है बीइंग से, जो कि हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाएगा और ब्रैकेट जो है वो नरेशन के बाद हमको क्लोज कर देना है, ठीक है। अब जो एंट्री पास किया उसी का ये नरेशन था बीइंग परचेज गुड्स, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ करेगी लाइन में तो डेट एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जो ट्रांजेक्शन हुआ वही ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किए, जो रिकॉर्डिंग होता है उसको बोलते हैं एंट्री करना। एंट्री करने के बाद जो नेक्स्ट लाइन में हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है हमारे, उसको बोलते हैं हम नरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स। गुड्स मतलब कि कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज जो कि शॉपकीपर सेल कर रहा है, शॉपकीपर जो भी गुड्स बेचने वाला है, जो भी बिजनेस करता है, तो बिजनेस में इन्वॉल्व जितनी भी चीजें रहेंगी वो सभी चीजें वो शॉपकीपर के लिए हो जाएगी उसकी गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्नीचर का शॉप है तो फर्नीचर के शॉप में जितना भी फर्नीचर रहेगा वो सभी फर्नीचर वो शॉपकीपर के लिए उसकी गुड्स हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी बिजनेस हम करें, जैसे स्टेशनरी शॉप है तो जितना भी स्टेशनरी का मटेरियल है वो सभी स्टेशनरी मटेरियल वो शॉपकीपर के लिए हो जाएगा उसका गुड्स, मतलब जो चीज हम बेचने वाले जिसका हमारा बिजनेस है, तो हमारे बिजनेस में जो भी चीज हम सेल कर रहे हैं वो चीज हमारे लिए हो गई गुड्स, ठीक है। ये थे हमारे कुछ बेसिक टर्म्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, और कुछ जो बाकी होंगे वो नेक्स्ट सेशन में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको जो भी डिफिकल्टीज आ रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।